दोस्तों, तितलियां तो हम में से लगभग सभी ने देखा है, लेकिन क्या आप हमें इस दुनिया के सबसे छोटे तितली के प्रजाति का नाम बता सकते हैं? या फिर क्या आपको ये पता है कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत तितली होने का खिताब आखिर कौन से तितली के प्रजाति को दिया गया है? या फिर क्या आप ये जानते हैं कि कौन से तितली के प्रजाति को दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर तितली माना जाता है? अगर इन सभी सवालों का जवाब ना है तो दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए, क्योंकि हमारे आज के इस वीडियो में हम आपको इन सभी सवालों का जवाब देने जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप में से जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे साथ हमेशा जुड़े रहें। तो चलिए अब चलते हैं सीधा अपने वीडियो की तरफ। सबसे पहले द ग्रीन ड्रैगन टेल। दोस्तों, चलिए अब हम मिलते हैं हमारी इस लिस्ट के पहले तितली के साथ, और हमारे इस लिस्ट के पहले तितली का नाम है द ग्रीन ड्रैगन टेल। दोस्तों, द ग्रीन ड्रैगन टेल असल में स्वालो टेल बटरफ्लाई की एक विशेष प्रजाति है। इस प्रजाति के तितली ज्यादातर इंडिया, पाकिस्तान और थाईलैंड में पाए जाते हैं। ये तितलियां बेहद खूबसूरत होती हैं, और जब ये अपने पूंछों को लहराते हुए हवा में उड़ते हैं तो तब इन्हें देखने में और भी ज्यादा खूबसूरत लगता है। इनके शरीर के पिछले भाग में एक पूंछ देखा जाता है जिसकी लंबाई करीब 1.6 इंच से लेकर 2.2 इंच तक हो सकती है, और जब ये हवा में उड़ते हैं तो तब इनका पूंछ हवा में लहराता है और तब ये एक देखने लायक नजारा बन जाता है। इनके शरीर का रंग ज्यादातर काला होता है, और इसके साथ साथ इनके शरीर में सफेद रंग के स्ट्राइप्स भी देखे जाते हैं। ये तितलियां आकार में काफी ज्यादा छोटे होते हैं और इनका पंख एकदम ट्रांसपेरेंट होता है। बर्ड विंग बटरफ्लाई। दोस्तों, इससे पहले हमने आपको एक ऐसे तितलियों के प्रजाति के बारे में बताया था जो आकार में बहुत ही छोटे होते हैं। अब चलिए हम आपको एक ऐसे तितलियों के प्रजाति के साथ मिलवाते हैं जो आकार में बहुत ही ज्यादा बड़े होते हैं। दोस्तों, हमारे इस लिस्ट के दूसरी तितली का नाम है बर्ड विंग बटरफ्लाई। ये तितलियां ज्यादातर भारत और पाकिस्तान में पाए जाते हैं। अगर आप इनके पंखों को गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनके ये पंख कुछ हद तक पक्षियों के पंखों की तरह दिखते हैं, और इनके पंख आकार में भी बहुत बड़े होते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि बर्ड विंग बटरफ्लाई के शरीर की लंबाई ज्यादा से ज्यादा 3 इंच तक हो सकती है, लेकिन इनका विंग स्पैन करीब 11 इंच तक होते हैं, यानी कि इनका विंग स्पैन इनके शरीर के मुकाबले में भी करीब 3 गुना ज्यादा होता है। ये बटरफ्लाई उड़ते वक्त ठीक किसी पक्षी की तरह दिखते हैं, और दुनिया में करीब 35 अलग अलग सब स्पीशीज पाए जाते हैं। एमरल्ड स्वालोटेल। दोस्तों, अब हम आपको एक ऐसे विशेष प्रजाति के तितली के साथ मिलवाने जा रहे हैं जो दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत होते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम मिलते हैं हमारे इस लिस्ट के अगले तितली के साथ जिसका नाम है एमरल्ड स्वालोटेल। दोस्तों, एमरल्ड स्वालोटेल ज्यादातर साउथ ईस्ट एशिया में देखे जाते हैं, और ये दिखने में भी बेहद खूबसूरत होते हैं। इनका विंग स्पैन करीब 4 इंच तक हो सकते हैं, लेकिन अगर आप इनके विंग्स को गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनके ये विंग्स कितना लुभावू किस्म के होते हैं। असल में इनके विंग्स का कलर काले रंग का होता है, लेकिन इसके ऊपर हरे चमकीले रंग के पैटर्न्स देखे जाते हैं। इनके विंग्स के निचले भाग में भी ऐसे पैटर्न्स देखे जाते हैं, और इनके इन पैटर्न्स के वजह से ही इनकी खूबसूरती कई गुना तक बढ़ जाती है। इनके शरीर के पिछले भाग में भी छोटे पूंछ देखे जाते हैं। ग्लास विंग्ड बटरफ्लाई। दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े, सबसे छोटे और सबसे खूबसूरत तितलियों के बारे में जानने के बाद अब हम बात करने जा रहे हैं दुनिया के सबसे ताकतवर तितली के बारे में। तो चलिए दोस्तों, अब हम मिलते हैं हमारे इस लिस्ट के अगले तितली के साथ जिसका नाम है ग्लास विंग्ड बटरफ्लाई। दोस्तों, ग्लास विंग्ड बटरफ्लाई ज्यादातर चिली के घने जंगलों में और साउथ अमेरिका में देखे जाते हैं। इन तितलियों को ग्रेटा ऑटो के नाम से भी जाना जाता है, और ये तितलियां ब्रश फूटेड बटरफ्लाई की ही एक प्रजाति है।
अगर आप इनके पंखों को गौर से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इनके ये पंख एकदम ट्रांसपेरेंट होते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये तितलियां अपने इन पंखों का इस्तेमाल अपने आत्मरक्षा के लिए करते हैं। असल में इनके इन ट्रांसपेरेंट पंखों की वजह से ये अपने आप को कहीं पर भी बड़ी आसानी से छुपा लेते हैं। ये तितलियां भी आकार में काफी ज्यादा छोटे किस्म के होते हैं, लेकिन ये बहुत ताकतवर होते हैं। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि ये अपने वजन के मुकाबले में करीब 40 गुना तक ज्यादा वजन उठा सकते हैं। तो अगर आपको इनके बारे में जानकर अच्छा लगा तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। 88 बटरफ्लाई। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं हमारे इस लिस्ट के अगले तितली की तरफ, और हमारे इस लिस्ट के अगले तितली का नाम है 88 बटरफ्लाई। दोस्तों, मुझे पता है कि इन तितलियों का नाम सुनकर आपको थोड़ा अजीब जरूर लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों हम आपको बता देना चाहेंगे कि ये तितलियां काफी ज्यादा आकर्षक होते हैं। ये तितलियां ज्यादातर पेरू, इक्वेडोर और टेक्सस के घने जंगलों में पाए जाते हैं। अगर आप इनको गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनके पंख कितने ज्यादा डाइवर्सिफाइड कलर के होते हैं। उनके पंख का ऊपरी हिस्सा कुछ हद तक काले रंग के होते हैं और उसके ऊपर चमकीले नीले रंग के पैटर्न्स बने हुए होते हैं। लेकिन अगर आप इनके हिंडर विंग्स को देखें तो आपको पता चलेगा कि इनके हिंडर विंग्स सफेद रंग के होते हैं और उनके ऊपर काले रंग के स्ट्राइप्स बने हुए रहते हैं, और इनके हिंडर विंग्स के बीचों बीच एक ऐसा पैटर्न बना हुआ होता है जो दिखने में कुछ हद तक अंग्रेजी के 88 जैसे दिखते हैं, और इनके वजह से ही इसका नाम 88 बटरफ्लाई रखा गया है। ब्लू मॉर्फो। तो दोस्तों, चलिए अब हम मिलते हैं हमारे आज के इस लिस्ट के आखिरी तितली के साथ, और हमारे आज के इस लिस्ट के आखिरी तितली का नाम है ब्लू मॉर्फो। दोस्तों, ब्लू मॉर्फो ज्यादातर वेनेजुएला, ब्राजील और मेक्सिको में पाए जाते हैं। ये तितली अपने खूबसूरती के लिए बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय है। इनका रंग बेहद खूबसूरत होता है, और अगर आप इनके विंग्स को गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनके विंग्स और हिंडर विंग्स का कलर चमकीले नीले रंग का होता है और विंग्स के बॉर्डर का रंग काला होता है। इनके खूबसूरती के वजह से ज्यादातर लोग इन्हें पालना भी पसंद करते हैं, और इन तितलियों को कैप्टिविटी में भी रखा जाता है। इनका विंग स्पैन करीब 4.7 इंच तक हो सकता है, और जब ये तितलियां हवा में उड़ती हैं तो तब इनकी असली खूबसूरती का पहचान सबको होता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं हमारे अगले वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।